जान जोखिम में डालकर अब सफाई कर्मी ना करे काम, इस योजना का जल्द उठाएं लाभ। नमस्कार, मेरा नाम नेहा साहिन है और आप रूबरू बिहार देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है नमस्ते योजना, जो विशेष रूप से गरीब तबकों के लोगों के लिए है। 2022 में लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद करना। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को विशेष प्रशिक्षण और सुविधाएं देती है जो अपने कौशल को बढ़ाकर रोजगार हासिल करना चाहते हैं। चलिए जाते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार की नमस्ते योजना एक ऐसी पहल है जो स्वच्छता कर्मियों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। ये योजना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे खतरनाक कामों में कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। बता दें कि इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग, पीपीई किट और स्वच्छता प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी प्रदान की जाती है। बता दें, इसका उद्देश्य है कि इन कर्मियों को खतरनाक कामों में खुद को शामिल नहीं होना पड़े, भारत में सफाई कर्मचारियों की मौत कम से कम स्तर पर लाया जा सके। इसके साथ ही उन्हें बिजनेस के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके। बता दें कि हाल ही में गुरुग्राम नगर निगम ने इस योजना में एक नई पहल भी की है। अब 5,000 से ज़्यादा कूड़ा बिनने वाले भी नमस्ते योजना का लाभ उठा पाएंगे। इन कर्मियों को अब पीपी किट, स्वास्थ्य बीमा और सही तरीके से कूड़ा बिनने की ट्रेनिंग मिलेगी। कर्मियों को डिजिटल ऐप के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद उन्हें सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो नमस्ते योजना वास्तव में एक प्रभावशाली पहल है जो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मियों के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से न केवल इन कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन मिलते हैं, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी अनुभव होता है।